हेलो गाइस, दिस इज़ सैम खान फोटोशॉप के एक नए ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में किस तरीके से हम फ्लेयर एंड हेज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक इमेज ओपन की, ये इमेज की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक। सबसे पहले उसके बाद हमने इमेज जब ओपन कर ली, उसके बाद हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद हमें नंबर टू सेकंड वाला ग्रेडियंट हमें सेलेक्ट करना है, जो एक तरफ कलर हो और सेकंड साइड पे ट्रांसपेरेंट हो। तो इसी तरीके से हमारा सही फ्लेयर क्रिएट हो सकता है। वाइट पे क्लिक करेंगे हम, जस्ट क्लिक द डबल क्लिक ऑन दिस एंड सेलेक्ट द कलर। यहाँ पर आई थिंक सन फ्लेयर क्योंकि हमें यूज़ करना है, तो सन क्योंकि येलो लाइट होती है इसलिए हम येलो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेकंड साइड पे मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वाइट की जगह पर जो इसका डिफ्यूज़ साइड है वो वाइट ना हो, मैं चाहता हूँ कि वो रेड हो। तो ये रेड की तरफ इसकी रेड शेड आ जाता है एंड में इसके थोड़ा सा। आई थिंक दिस इज़ गुड, प्रेस द ओके एंड दिस। ये लीनियर इफेक्ट है, स्टाइलिश, मुझे लीनियर नहीं चाहिए, मुझे रेडियल चाहिए ताकि मैं इस पर आराम से इसको क्रिएट कर सकूं। एक चीज़ हमें इससे पहले समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी लाइट किस तरफ से आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी लाइट यहाँ से आ रही है टॉप लेफ्ट से, तो इसलिए हमारा फ्लेयर भी टॉप लेफ्ट पे ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना फ्लेयर यहाँ पर पुट कर दिया, यू कैन मूव एनीवेयर। सो इस इधर लाइट के हिसाब से मेरे ख्याल में यहाँ पर बेहतर रहेगा। तो यहाँ से फिर मैं इसका सेकेंड ऑप्शन इसका ये है कि यहाँ से हम यू कैन इंक्रीज द स्केल। अपनी इमेज के हिसाब से हमें इसका स्केल बढ़ा लिया ताकि हल्का सा इफेक्ट इस लड़की के बालों पे आ जाए, इसके फेस पे आ जाए। उसके बाद सेकंड ये एक चीज़ का ख्याल रहे कि ये अलाइन विद लेयर ही हो, स्केल अपने हिसाब से देखेंगे और रेडियल हो। प्रेस द ओके बटन। ये हमने देखा कि बिफोर एंड आफ्टर, आई थिंक दिस इज़ गुड, बट यहाँ पर सारी चीज़ें फेड हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हम ये इफ़ेक्ट सही है या नहीं। तो हम इसको सबसे पहले ब्लेंड मोड चेंज करेंगे, इसका नॉर्मल से हम इसको कर देंगे स्क्रीन। जैसे ही हमने स्क्रीन किया तो सारी हार्ड लाइट ख़त्म हो गई और सॉफ्ट लाइट हमारी यहाँ पर शो हो गई। तो ये दिस इज़ लुक बेटर आई थिंक। सेकेंड स्टेप इसके बाद हम क्या करेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर में दोबारा से जाएंगे और कर्व सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ब्राइट करेंगे, थोड़ा सा ब्राइट करेंगे और ब्लू को कम करेंगे, क्योंकि जब येलो को हमें ब्राइट करना होता है तो हम ब्लू को कम करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इन्वर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब पे अप्लाई हो गया है इसलिए मैं इस मास्किंग को इन्वर्स कर दूंगा, कंट्रोल और कमांड आई। इन्वर्स करने के बाद मैंने यहाँ से ब्रश लिया और जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर मैं इसे प्रेस करूँगा। मैंने सॉफ्ट लाइट सॉफ्ट राउंडेड ब्रश लिया और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक ही हो और फोरग्राउंड कलर वाइट हो। मास्किंग में एक चीज़ और समझ लें कि जब हम मास्किंग करते हैं तो जो ब्लैक एरिया हमारा होता है वो इट्स मीन कि वो हाइड हो चुका है। जब हम इस पर वाइट ब्रश से हम इसको जब पेंट करेंगे, ये देखें, तो इट्स मीन कि ये शो होना शुरू हो गया। तो वाइट एरिया मीन्स शो एंड ब्लैक एरिया मीन्स हाइड। सो मैं यहाँ पर अपनी ओपेसिटी मैंने इसकी 46 रखी हुई है, आप अपने हिसाब से इमेज के हिसाब से देख लीजिएगा। 46 पे मैं प्रेस किया, इंटर किया और मैं इस पर हल्का हल्का से यहाँ पर मैंने इसके येलो को इंक्रीज़ कर दिया ताकि हल्का सा, ये देखें, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, आई थिंक दिस इज़ लुक ग्रेट। मगर ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं ओवरऑल दोनों को, इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ग्रुप बना देता हूँ, कंट्रोल और कमांड जी, ये देखें। इसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ जहाँ मुझे सूट करता है इस इमेज के हिसाब से। आई थिंक 90 कर देता हम इसे, राइट 90 लुक लाइक बेटर। उसके बाद सेकंड, ये तो हमारा फ्लेयर आ गया। उसके बाद हम वन टोन इमेज किस तरीके से करेंगे, यहाँ की कलर अलग है, यहाँ के कलर अलग है। तो एक ज़बरदस्त टूल है ये फोटोशॉप का, वो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हमने इसकी, उसके बाद हम इन दोनों लेयर्स के बीच में हमें, क्योंकि वो इफेक्ट अप्लाई करना है इसलिए मैं बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद एडजस्टमेंट में गया और ग्रेडियंट मैप ये हमारे पास आ गया। तो लेफ्ट साइड पे वाइट कलर एंड राइट साइड पे ब्लैक कलर, तो इट्स मीन एक शेडो है और एक
हाईलाइट है, तो हम सब इस पर जब वन टाइम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा से ग्रेडियंट आ गया। तो हम चाहें तो यहाँ पर इसके अपने बने बनाए ग्रेडियंट है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाइट एक तरफ का कलर जो है हमारा, ये जो लेफ्ट साइड का कलर है ये हमारी ब्लैक एरिया को, जितना भी हमारा डार्क एरिया उसको कवर करेगा, और जो ग्रीन वाला है हमारे वो हमारा जो है लाइट एरियाज को कवर करेगा। तो हमने इस पर डबल क्लिक किया और मुझे एक तरफ रेड चाहिए, रेड कर लेता हूँ, और सेकंड जहाँ पे यहाँ पर मुझे आई थिंक येलो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं फ्लेयर इफेक्ट हमने लगाया येलो, तो आई थिंक येलो इफेक्ट सही रहेगा। तो मैंने एक तरफ येलो सेलेक्ट कर लिया है और दूसरी तरफ ऑरेंज, प्रेस द ओके बटन, ये मैंने ओके किया। लेकिन ये दिस इज लुक वेरी हॉरिबल, तो कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल मोड से हम यहाँ पर सॉफ्ट लाइट पे जब हम इसको वाओ दिस इज़ ग्रेट, मगर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसलिए हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, आई थिंक 35 कर देते हैं। राइट, ये देखें बिफोर एंड आफ्टर देखें, इसका आपको खुद फ़र्क पता चलेगा। ये देखें जितना डार्क एरिया है वो सब रेड हो चुका है और जितना लाइट एरिया है वो सब येलो हो चुका है। ये देखें बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ये वन टोन इमेज हो गई है। लेकिन इसमें और भी ज़्यादा मजीद है, इसका फोगी थोड़ा बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इमेज को इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल जी, कंट्रोल जे और कमांड जे। ये देखें डुप्लीकेट लेयर हो गई है मेरी, लेकिन हम इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे और इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम इसकी 10। राइट, 10 ज़्यादा हो गया, आई थिंक 7 कर देते हैं। राइट, ये देखें इसमें और ज़्यादा जो है ज़बरदस्त इसके कलर हो गए। और अगर हमें इसके फ्लेयर दोबारा से, अगर फ्लेयर में अगर इसके हमें जाके इसके कलर वगैरह चेंज करना पड़े तो हम चेंज आसानी से कर सकते हैं। इस लेयर पे हम जाके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर वन टाइम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुल जाएगा, और येलो से हम इसको थोड़ा सा ऑरेंज शेड पे लेके जाते हैं ताकि थोड़ी डिटेलिंग हो जाए। राइट, तो हम इसको यहाँ से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि येलो या रेड हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, तो आई थिंक ये सही है बिल्कुल। राइट, थोड़ा सा येलो आ जाए तो बेहतर हो जाएगा मेरे ख्याल में ये चीज़। ओके, आई थिंक दिस इज लुक ग्रेट। ये मैं इन पूरे को ग्रुप कर लेता हूँ एंड बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ बिफोर इमेज एंड दिस इज़ आफ्टर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मेरी नई वीडियोस को अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी PSD फाइल चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी पर्सनल ID सेंड करें, मैं आपको इसकी लिंक सेंड कर दूँगा और PSD की लिंक सेंड कर दूँगा। और इसके अलावा आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बताएं मुझे। अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसको। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर हूँगा। टेक केयर, ओके बाय।